सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब सत्र की समाप्ति चल रही है दोस्तों, कुछ ही दिनों में ये सत्र समाप्त हो जाएगा और अतिथि शिक्षकों के समायोजन की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं। एक महीने बाद एक लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश वायरल चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरकार सच क्या है, क्या अतिथि शिक्षकों की नीति बनाई जा रही है या लोकसभा चुनाव का लॉलीपॉप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला पंचायत बुरहानपुर मध्य प्रदेश और संयुक्त जिला कार्यालय के पास पोस्ट बॉक्स क्रमांक यहाँ पर दिया है। तृतीय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बुरहानपुर अतिथि शिक्षक अन्य रिक्त स्थान पर समायोजित करने विषयक माननीय विधायक अर्चना चटनीस का पत्र दिनांक 2/2/2024 का इन्होंने संदर्भ लिया है। आप सोच रहे होंगे सर कि ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो पा रही हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्तों इस वजह से, लेकिन आज सोचा कि भाइयों से मुखातिब हूँ इसलिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय विधायक अर्चना चटनीस जी द्वारा लेख किया गया है कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति जिला इकाई बुरहानपुर का दिनांक 5/2/2024 का ज्ञापन अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अन्य शाला से आए शिक्षक एवं उच्च पद प्रभार ग्रहण करने व अन्य शाला स्थानांतरण होकर आए तथा नवीन शिक्षक पद स्थापना के कारण इन अतिथि शिक्षकों को उन पदों से कार्यमुक्त कर दिया जा रहा है, जिससे इन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पा रहा है, जिससे इन शिक्षकों के परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति हो रही है। अतः अतिथि शिक्षकों को पूर्व के अध्यापन कार्य के अनुभवों को देखते हुए इन्हें संकुल के अन्य रिक्त पद या पुनः नियुक्ति प्रदान करने का लेख किया गया है। तत्संबंध में संदर्भित पत्र मूलतः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि नियम अनुसार उपरोक्त अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्रवाई माननीय विधायक महोदय एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें। सृष्टि देशमुख अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर कलेक्टर जिला बुरहानपुर की ओर से सूचनार्थ है। निस्सहायक माननीय विधायक अर्चना चटनीस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर। लोक शिक्षण संचालनालय क्यों आदेश जारी नहीं करता समायोजन को लेकर दोस्तों? ये आदेश जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत से जारी हो रहे हैं, लेकिन सटीक खबर वही होगी जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का जिक्र होगा। बाकी फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को नमस्कार। और आप सभी भाई कैसे हैं? टेलीग्राम का ग्रुप चालू है दोस्तों, अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मुझसे चैट करके अपना व्हाट्सअप नंबर भी मेरा ले सकते हैं आप। बाकी आप सभी भाइयों को एक बार फिर